नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे ऑफिस सूट्स की। दोस्तों, ऑफिस सूट्स ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर ऑफिस सूट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, जिसमें कि बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया जो कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया जो कि एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, और आउटलुक हो गया जो कि एक मेल क्लाइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के अंदर होते हैं, पर प्राइमरीली लोग इन्हीं 4-5 एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऑफिस सूट्स को बेसिकली, ये ऑफिस सूट्स एक फैमिली टाइप के एप्लीकेशन हो गए, एक ही तरह के एप्लीकेशन को एक सिंगल बंडल में करके आपको दे दिया जाता है। और इस तरह के एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी बहुत सारे वेंडर्स के अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि एप्पल का आईवर्क हो गया, कुछ लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस भी हो गए जो ऑफिस के अल्टरनेटिव हैं, विंडोज़ में भी अवेलेबल हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लिनक्स में भी अवेलेबल है और मैक में भी अवेलेबल है। और ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स के। अब एप्लीकेशंस, क्योंकि ये बंडल ऑफ एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशंस को मिला के रख के बनाया गया, तो बंडल करने के तरीके भी कई सारे हो सकते हैं। प्राइमरीली एप्लीकेशंस को बंडल करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला होता है एक सुपर एप्लीकेशन। सुपर एप्लीकेशन जैसा कि आपने देखा होगा, फ़ोन पे वगैरह हो गया, या फिर इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इससे पहले ऑफिस सूट के ही बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे WPS ऑफिस हो गया, या फिर पोलारिस ऑफिस हो गया, डॉक्स टू गो हो गया। इस तरह के जो एप्लीकेशन हैं, ये ऑफिस बंडल्स होते हैं। इनमें होता क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन के अंदर ही मल्टीपल एप्लीकेशंस मिलते हैं। मैं फोन पे का एग्जांपल लेता हूं। अगर आप फोन पे के अंदर जाओगे तो वहां पे आप ओला से कैब भी बुक कर सकते हो, रेड बस से बस भी बुक कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस उसके अंदर होते हैं जिन्हें आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर से ही यूज कर सकते हैं। और साथ में वहां पे UPI भी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन के फीचर एक एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको दे दिए जाए तो वो हो जाता है एक सुपर एप्लीकेशन। बेसिकली एप्लीकेशन को बंडल कर दिया एक एप्लीकेशन के अंदर। अब दूसरा तरीका होता है एप्लीकेशन को बंडल करने का, फैमिलीज या सूट्स बना के, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एग्जाम्पल में था कि आपको जब अपने PC में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन के फॉर्म में मिलते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन मिलते हैं आपको, पर इनका इंस्टॉलेशन आप एक ही फाइल के जरिए करते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलर फाइल होगी, उसको चला के ही आपको चारों पांचों एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन ऑफिस सूट के अंदर, वो सब मिल जाएंगे, पर एप्लीकेशन अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये हो गया फैमिली के टाइप में बंडल करना एप्लीकेशन को, एक ही तरह के एप्लीकेशन को एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अम्ब्रेला टर्म हो गया, उसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह को सबको बंडल कर दिया। इसके अलावा गूगल का भी अपना ऑफिस सूट है, प्रोडक्टिविटी सूट है। तो बात करता हूं मैं एंड्रॉइड की अगर, तो एंड्रॉइड में पहले से ऑफिस सूट्स अवेलेबल थे जो कि सुपर एप्स की फॉर्म में अवेलेबल थे, जैसे WPS ऑफिस एंड्रॉइड में पहले से अवेलेबल था, डॉक्स टू गो जो रिम का रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी कंपनी का है वहां से आया है, और 2014 में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया अपना जो ऑफिस सूट है, गूगल डॉक्स हो गया, शीट्स हो गया और स्लाइड्स हो गया, जो बेसिकली वर्ड, डॉक्स वर्ड की तरह काम करता है, शीट्स एक्सेल की तरह काम करता है, स्लाइड्स पावर पॉइंट की तरह काम करता है, जीमेल हो गया जो आउटलुक की तरह मेल क्लाइंट है, और गूगल कीप हो गया जो वन नोट की तरह एक नोट कीपिंग एप्लीकेशन है। अभी विंडोज 10 के अंदर एक स्टिकी नोट्स नाम का एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बेसिकली एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन है और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो 2014 के अंदर गूगल ने अपना ऑफिस सूट किया एप्लीकेशन को इंडिविजुअली एंड्रॉयड प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने फॉलो किया और बेसिकली अपना वर्ड, एक्सेल वगैरह एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड के अंदर पब्लिश कर दिया। और अभी तक इन दोनों पार्टीज़ का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, और बेसिकली ऑफिस सूट्स को PCs में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप घर या ऑफिस में अपने PC के अंदर ही ऑफिस सूट्स को यूज़ करते हो, वर्ड जैसे मैं आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ करता हूँ, एक्सेल भी थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, और पावर पॉइंट में भी थोड़ा बहुत काम तो होता ही, और साथ में ईमेल क्लाइंट तो हम सब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम ऑफिस सूट्स को बेसिकली अभी तक PCs में यूज करते आए थे, और फोन के अंदर हम बेसिकली व्यूइंग के लिए यूज करते हैं, मतलब हमें कोई डॉक्यूमेंट अगर पढ़ना है, कोई PDF खोलना है वगैरह, ऐसे कामों के लिए यूज करते थे, एडिटिंग के लिए यूज नहीं करते थे। और मुझे फ्रीक्वेंटली ऐसे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती रहती थी पर्सनली। मैं खुद फोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड फोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल डाल के रखता था, इंस्टॉल करके रखता था, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती रहती, और साथ में स्टिकी नोट्स, विंडोज 10 के आने के बाद मैं स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा यूज करता था। तो जब मैंने ये गीकाचार्य जीमेल ID बनाई तो मैं कंफ्यूज था कि मैं गूगल का
जो कीप है नोट टेकिंग एप्लीकेशन वो यूज़ करूँ या फिर स्टिकी नोट्स यूज़ करूँ, क्योंकि स्टिकी नोट्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा सारा डेटा एक ही आईडी के अंदर रहेगा, जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट आईडी है उसके अंदर ही मेरे नोट्स भी रहेंगे और सारा जितना भी मेरा आर्टिकल वगैरह रहते हैं सारे एक ही अकाउंट के अंदर रहेंगे, मुझे बार बार अलग अलग सर्विसेज अलग अलग अकाउंट्स में नहीं जाना होगा। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक सुपर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में लॉन्च किया है, और मैं इस चैनल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी तक जनरली पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, ये रिलीज़ नहीं हुआ है, ये बीटा वर्जन में अभी अवेलेबल है। और अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से आप गूगल के अपना गूगल अकाउंट पंच कर सकते हैं जिससे आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, और गूगल बीटा ग्रुप्स में खुद को रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही बढ़िया है, और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो ये बेसिकली एक सुपर एप्लीकेशन की फॉर्मेट में दिया गया है। इसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ रीडर, स्टिकी नोट्स सब एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है, और क्योंकि ये सब आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है तो काफ़ी स्पेस सेविंग टाइप की चीज़ हो गई और काफ़ी बढ़िया सोल्यूशन है। मैं इस तरह के सोल्यूशन का इंतज़ार ही कर रहा था बेसिकली, और क्योंकि मैं स्टिकी नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। एक जो माइनर अनॉयंस है वो ये है कि आप एप्लीकेशन की मेन स्क्रीन में जब रहते हो तो ये हमेशा पोर्ट्रेट में ही रहता है, ये लैंडस्केप में नहीं जाता। अगर आप फ़ोन को रोटेट करोगे तो भी वो सीधा ही खड़ा रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, हमेशा सीधा ही खड़ा रहेगा। पर अच्छी बात यह है कि जब आप किसी एक्सेल शीट या वर्ड को या कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लेते हो तब ये रोटेशन काम करता है, मतलब तब आप लैंडस्केप में भी ले जा सकते हो एप्लीकेशन को, पोर्ट्रेट में भी रख सकते हो। तो बेसिकली फंक्शनल है, काफ़ी फंक्शनल है, और स्टिकी नोट्स क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था अभी, जब भी कोई छोटी मोटी सी चीज़ अगर नोट करनी है तो मैं अपने पीसी में स्टिकी नोट्स में नोट कर लेता हूँ, और क्योंकि वो मेरे आउटलुक अकाउंट से, हॉटमेल अकाउंट से सिंक होता रहता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से सिंक होता रहता है, इसलिए इस एप्लीकेशन के अंदर भी ये स्टिकी नोट्स मेरे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, तो मेरा नोट टेकिंग का काम बहुत ही आसान हो गया। और जब सुपर ऐप के फॉर्म में कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन आपको मिलता है तो उसका अपना ही अलग फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस यूज़ करेगा वो, बजाय कि अगर मैं तीन चार एप्लीकेशन अलग अलग इंस्टॉल करके रखूं तो वो चार गुना स्टोरेज यूज़ करेगा जितना कि एक सिंगल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है अभी। तो काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है ये, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बीटा टेस्टिंग ग्रुप ज्वाइन करके आप सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं इसलिए ये काफ़ी सेफ भी है, कोई थर्ड पार्टी जगह से आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। और एक छोटा सा पोल है इस वीडियो के साथ जहाँ पे आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन बंडल करने का कौन सा तरीका अच्छा लगता है, सुपर एप्लीकेशंस या फिर अलग अलग इंडिविजुअल एप्लीकेशंस एक फैमिली के फॉर्म में बना के। आपको अलग एप्लीकेशंस अलग अलग ही मिलेंगे पर वो एक फैमिली के अंदर हैं, एक ही फैमिली के एप्लीकेशंस हैं, तो वो आप मुझे पोल में बता सकते हैं, मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको सुपर ऐप्स पसंद है या फिर इंडिविजुअल ऐप्स पसंद हैं। कॉमेंट्स में अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव हो तो वो भी बता सकते हैं मुझे। और ऑफिस के लिए या बंडल ऐप्स के लिए या एप्लीकेशन सूट्स के लिए ये था मेरे साइड से इनपुट। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।